किस नंबर 52 सल्फाइड एकेडमी, ये तो यूट्यूब पर भी होगा। वह फ़ोन में सर्च करने लगी थी जबकि ईमान ने झपट कर उसका फ़ोन छीना। क्या कर रही हो तुम, पागल हो, वह गुस्से से उसे टपट रही थी। लेकिन आप ही, वह इतजाजन चिल्लाई, बैग उठाओ और जाओ यहाँ से, जब तक होमवर्क नहीं हो जाता फ़ोन नहीं मिलेगा। वो मायसा उसे देखती रह गई थी जो टीवी बंद करके उसका फ़ोन भी साथ ले गई थी। चलो मेजू, जल्दी जल्दी होमवर्क करो, फिर अब्दुल को भी देखना है। उस पर डांट का कोई असर नहीं हुआ था, बल्कि वह मजीद पुरजोश हो गई थी और सोफे पर बैठी किताबों पर झुकी अपना काम कर रही थी। मिस्टर जबील, मिस उम्मी ईमान ने ऑफर लेटर साइन कर दिया है, वो सल्फाइड एकेडमी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। कमरे में गूंजती उसकी आवाज़ पर हाथ की तेज़ी से टाइप करते हाथ रुके। वो इस वक्त अपने ऑफिस हुआ कमरे में था जो एकेडमी में बनवाया था। वो एक बड़े से मेज के पीछे रखी कुर्सी पर बैठा था। चश्मे की पार से झांकती ग्रे आंखों में थोड़ी उलझन थी। उसके चारों जानब स्क्रीन थी जिन्हें वो बार बार चेक कर रहा था। ओपन दी मेल, वो रुक गया, ठहर गया, उसे कुर्सी से टेक लगाया और उसके सामने फिजा में उभरती स्क्रीनों में से एक पर ईमेल बॉक्स ओपन हुआ था। वाकई ईमान की ईमेल थी, उसने ऑफर लेटर साइन करके अटैच कर दिया था। वो हाथ जो थोड़ी देर पहले इतना मसरूफ था अब सारे काम छोड़कर उसकी एक ईमेल देख रहा था। यूँ देख रहा था जैसे और कोई काम ही ना हो। अचानक उसकी नज़र सैलरी डिमांड पर आकर रुक गई। वो ठटक गया, पिक एंड ड्रॉप सर्विस, चाय एंड प्रेइंग रूम, बस यही उसकी डिमांड थी, इसके अलावा कुछ नहीं। वो बेसाख्ता मुस्कुराया। मिस्टर जबील, मुझे आइडिया नहीं था उनकी डिमांड इतनी कम होगी। एआई आवाज़ अभी भी गूंज रही थी। क्योंकि तुम इंसान नहीं हो, बाय द वे आइडिया तो मुझे भी नहीं था। पता नहीं क्यों वो इतनी खुशी महसूस कर रहा था जैसे उम्मे ईमान ने ऑफर लेटर नहीं बल्कि निकाहनामा साइन कर दिया हो। वो कितनी ही देर बैठा रहा और यूँ ही मुस्कुराता रहा। मिस्टर जबील, अब हमें काम शुरू करना चाहिए, एआई की आवाज़ फिर से गूंजी। आई नीड ए ब्रेक, वो कुर्सी से उठा। लेकिन मिस्टर जबील, उसे चश्मा और दाने कान में लगा एयरपड उतार कर मेज पर रख दिया। एआई की आवाज़ सम तोड़ गई थी, उसके सामने उभरती स्क्रीनें गायब हो चुकी थीं। सामने मेज पर सिर्फ एक लैपटॉप रखा था और उससे कुछ फासले पर वो पजल बॉक्स पड़ा था, लकड़ी का पजल बॉक्स जो हमेशा से उसके पास था, जो उसके बाप ने उसके लिए बनाया था। वो उसे उठाता धीमी चाल चलता ऑफिस से बाहर निकल गया। उस ऑफिस को देखकर अब कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो एक डेटा साइंटिस्ट का ऑफिस था। एकेडमी तकरीबन खाली थी, एकेडमी की बिल्डिंग मुस्ततील थी। यहाँ सबसे ऊपरी फ्लोर पर उस जानी उसका ऑफिस था, ये इमारत के किनारे पर था। उसके साथ दो और कमरे थे जो अभी खाली थे, जबकि सामने दूसरे किनारे पर बाकी कमरे थे जो वर्कर्स के लिए थे, स्वीपर, गार्ड और माली, वो यहीं रहते थे। बाकी दरमियान में सब खाली था, बस एक जगह सिटिंग एरिया था और इमारत के एन दरमियान में चकला लगा हुआ था और दरमियान में छत नहीं थी जहाँ से झांक कर निचले फ्लोर का मंजर आसानी देखा जा सकता था। इस फ्लोर के दोनों जानब की दीवारें ग्लास की थी जिनसे सूरज की रोशनी छन छन कर अंदर आती थी, लेकिन इस वक्त बाहर स्याह बादल छाए हुए थे। इमारत के हर फ्लोर की डिजाइनिंग अलग थी। उसके कमरे से निकलने के बाद दरवाज़ा ऑटोमेटिक लॉक हो चुका था। वो अब हाथ में पजल बॉक्स सामने सीढ़ियों की जाने बढ़ रहा था। उसका इरादा नीचे जाकर अपने लिए कॉफ़ी बनाने का था। अब सीढ़ियों से उतरते सीटी बजा रहा था और एकेडमी की खाली इमारत में सीटी पर उभरती धुन गूंज रही थी। हाथ के अकाउंट में अब यहाँ से कोई रकम ट्रांसफ़र नहीं होगी। सही जबील का दाइमा को फ़ोन आया था। सयाह जबील और हमदान साहब ने सालों पहले जो बिजनेस शुरू किया था उनकी पार्टनरशिप आज भी चल रही थी और फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी दाइमा देख रही थी। लेकिन बाबा, उससे कुछ कहना चाहूँ? पता नहीं किन चक्करों में पड़ गया है, अगर तुम ये जान जाओ कि उस अजीबोगरीब सी एकेडमी पर कितना पैसा लगाया है तो शौक हो जाओगी। बस आज के बाद उसे एक रुपया नहीं मिलेगा। वह खामोशी से उनके गुस्से को सुनती रही। वह हाथ से काफ़ी हवा लग रहे थे। हम ऐसा नहीं कर सकते, दाइमा ने गहरा सांस लेते बताया। क्यों? सही जबिल की कनपट्टी की नसें फूल गईं। आपको नहीं पता लेकिन वो हमारी कंपनी में अच्छा इन्वेस्टर है। और ये कब हुआ? जब से वो पाकिस्तान आया है, दाइमा ने धमाका किया था। बाप की तरह पूरा प्लानर है, मजाल है जो कहीं से भी चौका का हो। वो इस कंपनी में जो भी हो बस आज के बाद उसके अकाउंट में रकम नहीं जाएगी, बाकी मैं खुद देख लूंगा। सही जबिल कटाक से फ़ोन बंद कर चुके थे। दाइमा ने तासुब से फ़ोन को देखा और फिर कुछ देर बाद हाथ का नंबर मिलाया। बेशक खानदान में ज़िया जबील बड़े थे लेकिन सईद हैदर जबील का दबदबा ज़्यादा था
और उनकी बात से इनराफ करना मतलब अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद मारने के मुतरादफ था। रिंग होती रही लेकिन उससे फ़ोन नहीं उठाया। काश कभी ऐसा भी हो कि मेरी पहली कॉल पर तुम फ़ोन उठा लो। उससे फ़ोन देखा और कॉल बंद की, फिर उससे साथ का नंबर मिलाया। साल के सरसे में एक वही शख्स था जिससे दायमा को हाथ की खबर मिलती रहती थी। वो लाहौर होता था और हाथ इस्लामाबाद में, लेकिन उसे हाथ के शेड्यूल का पता होता था। उसी से दायमा को यह खबर मिली थी कि हाथ और ईमान का निकाह नहीं हुआ था। वो सब हाथ ने ईमान के इलाज के लिए किया था और पहले ही रिंग पर उसका फ़ोन उठा लिया गया था। साथ की मिजाल नहीं थी कि वो उसका फ़ोन इग्नोर करता और दायमा उसे ऐसे ट्रीट करती थी जैसे वो हाथ का टीम मेंबर नहीं बल्कि उसका मुलाजिम हो जिसे उससे हाथ की जासूसी के लिए रखा हो। अस्सलाम वालेकुम, दूसरी जानिब से नहायत अदब से कहा गया था। दायमा जबील साथ के लिए काबिल एहतराम थी। वालेकुम सलाम, कैसे हो साथ? वो दोनों तकरीबन हम उम्र थे और दायमा उसे नाम से बुलाती थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? उसे आज भी वो भीगी पलकों वाली लड़की नहीं भूली थी। लाख खुद को समझाया, लाख पहरे बिठाए, लेकिन उसका फ़ोन आते ही दिल अलग के लिए पर धड़कना शुरू कर देता था। ऐसा नहीं था कि उसे एहसास नहीं था, उससे बहुत कोशिश की थी और अभी भी कर रहा था। वो उसके मोहसिन की मंगेतर थी, जबील खानदान से थी, उसका तसव्वुर भी चांद जैसा था, लेकिन इंसान को चाहिए ही चांद होता है। हाँ मैं भी ठीक हूँ, ये बताओ हाथ कब आ रहे हैं लाहौर? वो फ़ौरन मतलब की बात पर आई। अभी तो ऐसा कोई इरादा नहीं उनका, उसे तहम्मुल से जवाब दी हूँ। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एकेडमी का प्रॉपर आगाज़ हो चुका है, वो स्टाफ हायर कर रहे हैं, स्पीकर्स ला रहे हैं। लड़कियाँ भी हैं उनकी टीम में? दायमा का दिल भी उसी रफ्तार से धड़क रहा था। साथ ने होंठ आपस में फेविस किए। अजीब पागल सी लड़की थी, जानती भी थी कि वो जिसके पीछे भाग रही थी वो बस एक सैराब था, लेकिन फिर भी थकती नहीं थी। ऑफ कोर्स, वो बस इतना ही कह पाया। अच्छा, उससे अच्छा को लंबा खींचा, दिल डूब सा गया था। वो मेरी कॉल नहीं उठा रहे, उन्हें बता दीजिएगा कि उनके दादाजी काफ़ी खफा हैं, उन्हें कॉल कर ले। वो फ़ोन बंद कर चुकी थी और वो फ़ोन को देख कर रह गया। पागल, वो भोले से बड़बड़ाया और फिर अपने काम की जानी मतवजा हो गया। आज संडे था और कल से ईमान का सल्फाइड एकेडमी में पहला दिन था। वो अपने पूरे हफ्ते के कपड़े प्रेस करके रख रही थी, उसकी रूटीन मजीद हेक्टिक होने वाली थी। वो डॉक्टर अलवी की क्लिनिक को हैदराबाद कह चुकी थी और अस्पताल की टाइमिंग उससे 8 से 3 करवानी थी। 3 बजे वो घर आती और फिर 2 दिन यूनिवर्सिटी और 3 दिन उसके एकेडमी को देने का सोचा था। बाकी के 2 दिन उसके अपने थे, वो उसे अपनी फैमिली के साथ गुजारती थी। वो मायजा उसके बेड पर लेटी थी, उससे जब से अब्दुल का शो देखा था वो बस उसी के बारे में पूछती रही थी। ईमान अपने कपड़े अलमारी में हैंग कर रही थी जब उसका अगला सवाल आया। एक बात तो बताएं आप ही, क्या अब्दुल यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही था जैसा वो स्क्रीन पर होता है? कहीं शो, कहीं बोर्ड, तो कहीं लगता है जैसे बहुत दर्द में हूँ। एंगल लटकाते उसके हाथ एक पल को रुके। उससे गुस्सेला अब्दुल याद आया, जो बहुत बदनाम था, जो कई बार लड़ाई झगड़े की वजह से जेल जा चुका था और जिससे यूनिवर्सिटी में सब डरते थे। नहीं, उससे एक लफ्जी जवाब दिया और बेड पर रखा दूसरा ड्रेस उठाया। वो आपके साथ कैसा था? वक्त जैसे तेजी से पलटा, वो अब बेंच पर बैठी थी और वो झुका हुआ था। तुम ब्रोकन एंजल नहीं हो, याद रखना। वो उसके लिए शफीक सा था, मेहरबान सिर्फ उसके लिए। अच्छा था, वो बस इतना ही कह पाई। वो मायसा झटके से उठ बैठी। आप ही, आपको उससे मोहब्बत क्यों नहीं हुई? वो अब इश्तियाक भरी नजरों से उसकी जानब देख रही थी, जबकि ईमान ने हैरत से उसे देखा। क्या वो इतनी बड़ी हो चुकी थी कि अपनी बहन से ऐसे सवाल करती? मेरा मतलब, इतना अच्छा तो है वो, और आपको वो सारे गिफ्ट सेंध दिए जो आपको चाहिए थे, वो केयरिंग भी था, तो फिर क्यों नहीं हुई आपको उससे मोहब्बत? वो जानने को बेताब थी। ईमान ने हैंगर वापस बेड पर रखा। मैं वहाँ पढ़ने गई थी, इश्क मोहब्बत करने नहीं। वो उसकी जानी पड़ी और बाजू से पकड़कर उसे अपने बेड से नीचे उतारा। अभी तो उसे मासिल की कहानी नहीं बताती, जाने वो क्या करती। चलो निकलो मेरे कमरे से, बहुत सर खा लिया तुमने मेरा। वो उसे खींचते हुए दरवाजे की जानब ले जा रही थी। प्लीज़ आप ही जवाब तो दे दे। उससे अलमारी का पट मजबूती से पकड़ लिया ताकि ईमान उसे बाहर ना निकाल सके। तुम जाती हो या मैं बुलाऊं अम्मी को? वह उससे खींच रही थी। वो मायसे ने अलमारी का खुला हुआ पट छोड़ा। ईमान उसे दरवाजे तक लाई और बाहर निकाल दिया। जाओ चाय बना कर लाऊं। वो दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी कि हुमायसा ने अपना बाजू अंदर करके उसे दरवाज़ा बंद करने से रोका। बस आखिरी सवाल, और ईमान ने गहरा सांस लेकर खुद पर जब दिया। बहुत ढीठ हो तुम।
उमायसा ने अपने पति से दिखाई और फिर झट से बोली, आपको कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? उसका बात सो अंदर ही था, वो वादा कहीं वो दरवाज़ा ही न बंद कर दे। गेट आउट, उससे उसका पासो निकाल दे, दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। प्लीज़ आपी, प्लीज़। वो मिनटों पर उतर आई थी, जब सही शख्स मिलेगा मैं फिर से मोहब्बत कर लूँगी, पर अभी मुझे सुकून चाहिए। उससे खटाक से दरवाज़ा हमायसा के मुंह पर बंद किया। हाय, ये क्या था, फिर से मोहब्बत? वो दरवाजे को देखती बड़बड़ाई, आपी। अब उससे ऊँची आवाज़ से बाहर से पुकारा, दिमाग में खलबली सी मच गई थी। मेजू, गेट आउट। ईमान की झुंझलाई आवाज़ सुनाई दी और वो पूरा मुंह बनाते ही किचन की जाने बढ़ गई। हम स्टूडेंट्स हैं और मुस्तकबिल को लेकर बहुत परेशान हैं, और प्रैक्टिकली हम ये कैसे सीख सकते हैं जब हमारी लाइफ में कोई हादसा हो, कोई तब्दीली आए तो उसे कबूल करें, अपने खौफ पर कैसे काबू पाएं? हाथ ने लड़की का सवाल सुनते ग्लास विंडो से बाहर जाकर, आज सुबह से ही बादल छाए थे और दोपहर के बाद हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। वो सेमिनार हॉल में थे और इस वक्त उसके सामने सिर्फ स्टूडेंट्स बैठे थे। कुछ का पहला दिन था और कुछ पहले से आ रहे थे। लड़के एक जानी बैठे थे और लड़कियां दूसरी जानी। लड़कियों की तादाद कम थी लड़कों के मुकाबले में। उससे अपने सामने बैठे स्टूडेंट्स में एक खौफ महसूस किया था। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, वक्त गुजर रहा है, क्लासें गुजरती जा रही हैं और हम बड़े हो रहे हैं। बज़ाहिर सब ठीक है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ मिसिंग है, किसी चीज़ की कमी है, एक खालीपन है हमारे अंदर, हमारे इर्द गिर्द जो ख़त्म नहीं होता। ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? पहली रो में बैठी लड़की ने अपना सवाल ऐड किया था। उससे गौर से दोनों के सवाल सुने और फिर बोलना शुरू किया। आप लोग जब आए तो बारिश नहीं थी, अब हो रही है, अभी हो रही है, हालांकि ये एक खुशगवार तब्दीली है, फिर भी आप में से कितने लोग खौफजदा हैं? उससे ग्लास विंडो के पास खड़े होते हॉल में नजर दौड़ाई। एक तो लड़कियों ने हाथ खड़े किए। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान है, अगर बारिश हुई तो राइड मिलना मुश्किल हो जाएगी, और कभी लोकल सफर नहीं किया, मतलब किसी लोकल गाड़ी में बैठना तो मुश्किल है। लड़की ने डरते डरते जवाब दिया। वो अब चलता हुआ स्टेज की जाने आया। कभी इस खौफ पर काबू पाने की कोशिश की है? कहना यकीनन आसान है लेकिन करना मुश्किल। जिंदगी में अच्छी चीजें कभी आसान नहीं होती, कुछ भी आसान नहीं होता। इंसान का दिमाग दो चीजों यानी तब्दीली और उससे पैदा होने वाली अदम यकीनी को शदीद नापसंद करता है। हमें तब्दीली पसंद नहीं आती क्योंकि उसके नतीज अक्सर आसान नहीं होते। इसलिए तो बाहसियत कौम, बाहसियत उम्मत मुसलमा, हम सोए हैं, जैसा चल रहा है चलता रहे, हमें तब्दीली नागवार गुजरती है। एंड आई एम हैप्पी कि आप लोगों में से किसी ने ही सही लेकिन इस अधूरेपन को महसूस किया। उसे सब पर तायराना नजर डाली। हम कोई भी अलग काम करने से पहले डरते हैं और नतीजे से डरते हैं, जैसे अभी इन्होंने अभी कहा कि ये हम फ्यूचर से खौफजदा हैं। उससे लड़के की जानिब इशारा किया जिसने सवाल किया था। हमें किसी भी काम के नतीजे से नहीं बल्कि उस बात से खौफजदा होना चाहिए कि आज हम कहाँ खड़े हैं, हम कितना पीछे हैं। सिर्फ सोच में ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और बाकी सभी शोबों में भी हम पीछे हैं, और जिस फ्यूचर को लेकर हम खौफजदा हैं कि हमारा क्या होगा, हमारी अगली नस्ल का क्या होगा। अगर हम ऐसे ही सोते रहे और कोई कदम ना उठाया तो फ्यूचर में हम होंगे ही नहीं। सब सांस रोके उसे सुन रहे थे। मैंने ये एकेडमी बनाई है, अगर मैं डरता ही रहता कि पता नहीं क्या होगा, लोग इसे कबूल कर पाएंगे या नहीं, स्टूडेंट्स कुछ सीखेंगे या नहीं, तो आज आप और मैं यहाँ नहीं होते। वो ठीक ही तो कह रहा था, चाहे बहुत से लोगों ने उसे कबूल नहीं किया था लेकिन किसी ने तो पहला कदम लेना ही था ना, तो खुद ही क्यों नहीं। स्टाइक कहता है इंसान फितरतन ऐसी चीज़ों की तरफ झुकता है जो उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, जैसा कि अच्छा खाना, दौलत, अच्छे दोस्त और हमसफ़र, जो कि हरगिज़ गलत नहीं है, क्योंकि अगर इंसान बेहतर से बेहतरीन की तलाश में ना होता तो आज हम उसे डिजिटल इनकलाब तक ना पहुँच जाते। लेकिन हमें ये सब खो देने का डर लाजमी होता है। आप अपने कुछ मनसूबों पर अमल करना चाहते हैं लेकिन मुस्तकबिल की सोच आपको रोके रखती है, क्योंकि हम मुस्तकबिल को काबू नहीं कर सकते, तभी उसे सोचकर हलकान होने का कोई फ़ायदा नहीं। तो कदम उठाएं, सही कदम, सही समय में। डरे रहे तो सोते रह जाएंगे, कोई हमें बचाने नहीं आएगा, कोई हुक्मरान, कोई सियासतदान, कोई मसीहा, कोई हमारा लीडर नहीं बनेगा। हमें खुद को खुद ही लीड करना है। वो पल भर को रुका। सेनिका को जानते हैं आप लोग, कदीम रोमन फिलोसफर। उसके मुतल्लिक कहा जाता है कि उसका ताल्लुक अशरफिया तबके से था। एक अमीर आदमी के लिए सबसे बड़ा खौफ दौलत का छिन जाना है। सेनिका कभी कभार सूखी रोटी पानी के साथ खाता और ज़मीन पर सोता और खुद से कहता
कि क्या यही वो जिंदगी है जिसका खौफ मुझे हर वक्त परेशान रखता है। उसे चीख कर देखते हैं कि मैं इसमें किस हद तक तकलीफ है। हम अक्सर पूछते हैं कि ये करूँगा तो क्या मिलेगा, यूं होगा तो क्या होगा। ये सवालात यकीनन गलत नहीं, लेकिन इन सवालात को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देना आपको अपने मकसद की जानिब अपना 100% देने से रोक सकता है, क्योंकि नतीजे की ज़रूरत से ज़्यादा परवाह आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को नुकसान देती है। आपकी कीमती एनर्जी तकसीम हो जाती है, और वो भी ऐसे सवालात पर जो आपके मुकम्मल इख्तियार में भी नहीं। अगर आपको कोई चीज़ परेशान, फजूल, खौफ देती है, तो ज़िंदगी में एक बार उसको आजमाएं, क्या पता आप कुछ नया कर जाएं। राइड ना मिलने के डर से आप ये महसूस ही ना कर पाएंगी कि ये बारिश कितनी हसीन है। कभी एक बार किसी लोकल ऑटो में जाकर देखें, अपने खौफ का सामना करें, ये फिर ही कम होगा, बैठे बिठाए नहीं। उसकी वर्कशॉप अदम हुई और पाकिस्तान वापस आ गई, लेकिन वो खुद को कहीं छोड़ आई थी। वहीं अदम जबील के पहलू में कॉफ़ी का सिप लेते हफा हफा से अदम जबील के पास। उसका दिल नहीं लग रहा था, वो हॉस्टल में भी खोई खोई रही। क्या हुआ मीने, जब से आई हो चुप चुप हो? वो हॉस्पिटल की कैफेटेरिया में बैठे थे जब उसकी कॉलीग सारा ने पूछा, किसी फूड पॉइजनिंग हुई थी। वो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी, कोई मिल गया क्या लंदन में? वो शरारत से पूछ रही थी। एक अजीब सा इंसान मिला, उससे होले से कहा, कब, कहाँ, क्यों, और तुमने बताया नहीं? मेरा कज़न है यार, पहली बार मिली हूँ खुद आनी के घर पर। तुम अपनी ही कज़न से पहली बार मिली हो? कांट बिलीव। वो हैरान थी, ऐसा ही है तो कैसा लगा कज़न? वो अब शरारत से पूछ रही थी। मीना मुस्कुरा दी, तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे कुछ कुछ कह रही है। मेरी मुस्कुराहट पर मत जाओ, उससे कहा है दोस्ती से आगे कुछ नहीं। वो खूबसूरतगी से बोली, अरे सब यही कहते हैं, डोंट वरी, जितनी तुम प्यारी हो यकीनन वो भी अपना दिल हार जाएगा। वो पहले ही किसी पर हार चुका है। ओह कोई बात नहीं, तुमसे मिलकर इंसान के सीने में दो दिल धड़कने लग जाएंगे। मीना बेख्तियार हंसी, लेकिन वो अंदर से कहीं अफसरदा थी। वो नहीं जानती थी कि कौन सा रास्ता था, पर उसका चलने को दिल कर रहा था, और वो जाकर भी अदम के ख्याल से पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। पौने 4 बजे उसका ड्राइवर लेने पहुँच गया था। वो जल्दी से तैयार होती नीचे आई। आप ही ये छाता तो लेती जाएं। बाहर होती रिमझिम के बदौलत हुमायसा ने उसकी विंडो से उसका फेवरेट छाता नीचे फेंका था, जिसे उठाते वो तेजी से गाड़ी में बैठ गई और अब गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवा थी। अजीब सी पुरजोशी थी जिसे बयान नहीं किया जा सकता था, लेकिन वो महसूस कर सकती थी। 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो अकेडमी के सामने खड़ी थी। मस्मराइज करता उस जगह का हुसन देखने लायक था। वो कार्स को सलाम करते अंदर दाखिल हो गई। वो दरख्त वहीं था और सर्द पत्ते चारों जाने बिखरे पड़े थे, अलबत्ता आज ग्राउंड में स्टूडेंट्स नजर आ रहे थे। बिल्डिंग की खिड़कियों में खड़े दरख्त के नीचे बैठे और घूमते भी थे। वो अपने सफ़ेद ऊनी कोट में थी और स्काफ को उससे अच्छे से चेहरे की किट लपेटा हुआ था। वो इतनी खुश थी कि अपना छाता गाड़ी में ही भुलाई। पथरीली रोड पर चलती वो तेज़ी से अंदर जा रही थी और फिर रुक गई उस जगह पर जहाँ पहले रुकी। वो पलटी और पलट कर उस दरख्त को देखने लगी। अगर वहाँ स्टूडेंट्स ना होते तो वो लाजमी वहाँ जाती। पथरीली रोज के दोनों जानी पौधे लगे थे और उसके पत्तों पर बारिश के कतरे चमक रहे थे। वो झुकी उन भीगे पत्तों को अपने फोन में कैद करने लगी। हल्की हल्की बूंदा बांदी में उसका स्काफ फिर से भीग रहा था। 2 से 3 मिनट गुजरे थे, यहाँ तक कि उससे आसमान से बरसती बारिश को भी कैद कर लिया। और चूँकि जब उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, वो तेज़ी से पलटी और फिर अपने करीब खड़े शख्स से टकराते बची। हाँ जबील, एक सफ़ेद ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का छाता लिए उसके बहुत करीब खड़ा था। वेलकम होम, उससे अपने और ईमान को भीगने से बचाने के लिए एक हाथ में छाता पकड़ा हुआ था, जबकि उसका दूसरा हाथ पेंट की जेब में था। ईमान ने एक नज़र ऊपर देखा, ग्लास जैसे ट्रांसपेरेंट छाते पर बढ़ती बारिश की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। वो टेल ग्रीन लूज पेंट पहने हुए था, जबकि ऑफ वाइट फुल स्लीव टी शर्ट में शफाफ साफ सा आदि देखने से ताल्लुक रखता था। चश्मे से झांकती उसकी ग्रे आंखें मुस्कुरा रही थीं। वो और भी कुछ कह रहा था, उसके गले का एडम एप्पल डूब कर उभरा। जब सही शख्स मिलेगा मैं फिर से मोहब्बत कर लूँगी, उससे अपना कहा जुमला याद आया। फिर से वही शख्स क्यों? उसे देखते गहरी सोच का शिकार थी। मिस ईमान, उससे पुकार रहा था। मैंने पूछा, आने में कोई मसला तो नहीं हुआ? वो पूछ रहा था, उसके चेहरे पर शफीक सी मुस्कान थी। नहीं, वो अब भी छाता ताने खड़ा था। मैं खुद ही आ जाती, आप कब तक मुझे वेलकम करते रहेंगे?
वो अब नसें चुरा गई थी, वो अब अपने शूज़ को देख रही थी। जाने क्यों उसका दिल उदास हो गया था, फिर से वही शख्स क्यों, एक ही सवाल चारों जाने खोजने लगा था। आप जब जब आएंगी? वो संजीदा था, ईमान ने नसें नहीं उठाई और वो उससे उलझी हुई लग रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि उसके जहन में क्या चल रहा था। चले, उसे पुतपर ने देख कर हाथ निकाला तो वह स्वाद में सहेला कर चल पड़ी। ये कौन है जिसको हाथ चपी खुद लेने आए, होगी उनकी कोई हाथ मेहमान। दूसरी मंजिल की खिड़की में खड़ी लड़कियों ने सरगोशी की थी। वो मेहमान को आज एकेडमी में काफ़ी रौनक नजर आई थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वाकई कोई इदारा हो। उससे अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स को लिखते पढ़ते और डिस्कशन करते देखा था, लेकिन ये रवायती तरीके से हटकर था। मोटी मोटी जल्दों वाली पुरानी किताबें खोले स्टूडेंट्स उन पर झुके हुए थे। मैंने कहा था ना ये कुरान पाक में पहले से लिखा हुआ है। वो एक ग्रुप के पास से घुसी जहाँ लड़की खुशी से चिल्लाकर वाक्यों को पर कुछ बता रही थी, जैसे उससे कोई गहरा राज पा लिया हो। कुछ देर बाद वो उसका वहाँ के सभी स्टूडेंट्स को तारुफ करवा रहा था। ये मिस उम्मे ईमान है, ये क्या करती हैं आप लोग खुद जान जाएंगे, कभी खुद को हील करना चाहें तो इनसे मिल सकते हैं। उससे अनोखा तारुफ करवाया था। वो मुस्कुराकर सबको देखती रही और हंस कर उसे, मैं कैसे मान लूँ जमीन ज़्यादा है, वो वजूद उसका आसमान से मिलता है। एक बड़े सियासतदान की मशहूर हवेली थी जिसके मास्टर बेडरूम से चीखों की आवाज़ उभर रही थी। तलाक मांगती है मुझसे, तेरी इतनी हिम्मत। मर्द ने अपनी बीवी को बालू से पकड़ा और एक सनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। वो उस पर बहुत तशद्दुद कर चुका था, लड़की का होंठ फट चुका था, उसकी पेशानी और आंख पर निशान पड़ चुके थे। बोल, किससे सिखाया है तुम्हें, कहाँ से आई इतनी हिम्मत? उससे अब लड़की को झटका दिया और फिर नीचे पटक दिया। लड़की ने अपनी चीखों पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वो दर्द से बिलबिला उठी। वो अब उस पर झुका लातों से उसे मार रहा था। मुझसे तलाक मांगती है? मर्द का बस नहीं चल रहा था, उसे टुकड़ों में काट देता, फिर उससे रुक कर लड़की को दोबारा बालों से पकड़ा। किसने सिखाया है तुम्हें? वो गजबनाक लहजे में पूछ रहा था। मैं एक शराबी, जवारी और जानी के साथ नहीं रह सकती जिसे अल्लाह का जरा भी खौफ ना हो और जो उससे ना डरता हो। ये फिजा थी जिससे डॉक्टर अलवी के क्लिनिक पर ईमान के सामने अपना मस्सा रखा था। वो ऐसा पहले से ही चाहती थी, लेकिन डरती थी अपने शोहर से, पर उस रोज़ उसे अल्लाह से ज़्यादा डर लगा। उसे उस रोज़ हिम्मत भी मिली कि वो उस शख्स को सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर छोड़ रही थी। वो किसी मर्द के साथ नहीं रह सकती थी जो रोज़ सिना करके आता हूँ और फिर बीवी पर तशद्दुद करता हूँ। अल्लाह याद आ गया अब तुम्हें? हाँ, शादी से पहले जब मेरे साथ घूमती फिरती थी तब अल्लाह की डर था। उससे एक और सनाटेदार थप्पड़ मारो। हमारा मसला यही है, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर अल्लाह के रास्ते पर चलना भी चाहें तो कम सर्फ लोग हमें टांग से पकड़कर खींचते हैं और हम मुंह के बल गिर जाते हैं। मुझे जाने दो प्लीज़, अगर आप खुद को नहीं बदल सकते तो मुझे जाने दें। वो ज़मीन पर पड़ी बड़बड़ा रही थी। नहीं जा सकती तुम यहाँ से, सिर्फ तुम्हारा जनाजा जाएगा। उससे फिसा को गर्दन से पकड़कर उठाया और उसका सर जोर से ज़मीन पर दे मारा। बिलबिलाते फिसा साकित हो गई और वो उसे वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। उसे पक्का यकीन था कि फिजा का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था, तभी उससे खुला के बात की थी। वो जानना चाहता था उसकी बीवी कहाँ कहाँ जाती रही है और किस किस से मिलती रही है। वो हर उस शख्स को जान से मार देना चाहता था जिससे उसकी बीवी का ब्रेन वॉश किया था। ईमान अपना ऑफिस देखकर हैरान रह गई थी। ये सबसे ऊपरी फ्लोर पर हाथ के बिल्कुल साथ वाला कमरा था और उसके बाहर बोर्ड पर दी हीलर लिखा हुआ था। वो इस नाम को पढ़कर मुस्कुरा दी। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। उसे दरवाज़ा खोला और ईमान को पहले अंदर दाखिल होने का इशारा किया। जैसे वो अंदर दाखिल हुई तो हैरान रह गई, ऐसा लगा वो किसी जादुई दरवाजे से सदियों पीछे आ गई हूँ। पूरा कमरा विंटेज चीज़ों से भरा हुआ था। वहाँ रखे मेज़, कुर्सियाँ, शेल्फ, किताबें और शोपीस, हर चीज़, यहाँ तक कि मेज़ पर रखा फ़ोन भी काफ़ी पुराना था। वो हैरानी से सब देखने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जबकि हाथ सीने पर बाजू जमाए उसे ही देख रहा था। उसकी शर्ट पर बाई जानिब सीने के मुकाम पर आरजे लिखा था। यकीनन वो शर्ट आरजे फ्रेंड की थी। ये सब आपने किया, लेकिन क्यों? तुमको तारीख से दिलचस्पी है, सुनकर मैंने घर के एक कमरे को यूनान बना रखा है। इस क्यों का जवाब उसके पास नहीं था। होता भी कैसे, वो खुद नहीं जानता था उसने कैसे किया था, पर वहाँ रखी चीज़ अनमोल थी, बेशकीमती, जो उसे खुद ढूंढी थी। क्यों किया आपने ये सब? वो अब उसके सामने आन खड़ी हुई। ये मेरी दुनिया है,
मैं चाहता हूँ यहाँ मौजूद हर शख्स उसे वैसा ही पाए जैसा उसने चाहा हो। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ईमान कुछ बोल ही ना पाई। आपके टेबल पर कुछ शीट्स पड़ी हैं, आप उन्हें चेक कर लें। सेशंस को डिवाइड करना है, आप देख लें कैसे करना है। मुझे अभी काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। वो जाने के लिए पलटा। और हाँ, इंटरकॉम पर आप किसी भी वक्त चाय का ऑर्डर कर सकती हैं, और साथ वाला रूम प्रेयर रूम है, आप जब चाहें जा सकती हैं। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया और वो वहीं खड़ी रह गई थी। कुछ देर तक वो चीज़ों को देखती रही और फिर काम शुरू कर दिया। वो टाइम टेबल को अपने और हाथ के शेड्यूल के हिसाब से तरतीब दे रही थी। आज उसका अस्पताल में भी काफ़ी बिजी दिन रहा था और इस वक्त वो थक गई थी। नींद उस पर हावी हो रही थी, उसे चाय की तलब हो रही थी। उससे इंटरकॉम पर बेल दी, मुझे एक चाय चाहिए। उससे कहा, आपके रूम में ले आऊँ या स्टाफ रूम में जहाँ मिस्टर हाथ अपनी कॉफ़ी लेते हैं। वो बैठे बैठे थक गई थी, इसी स्टाफ रूम का पूछ कर वो उस कमरे से निकल आई और फिर सीढ़ियाँ उतर दी, निचली मंजिल पर आई। अब हर कमरे के बाहर बोर्ड लगा था, उसे स्टाफ रूम नजर आ गया। वो दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई। ये कमरा काफ़ी खुला और साफ सुथरा था। बड़ा सा मेज था जिसके चारों जानब कुर्सियाँ रखी थीं। वो काफ़ी थक गई थी, एक कुर्सी पर बैठकर फ़ोन यूज़ करने लगी। अचानक एक वीडियो सामने आई थी और उसके म्यूजिक ने उसे रुकने पर मजबूर किया। उसने मोबाइल को मेज़ पर रखा, उसके हाथ झोली में रखे थे। वो इस कदर थक गई थी कि उससे मोबाइल के करीब मेज़ पर सर रखा और आँखें बंद कर दी। हाथ में छाता पकड़े हाथ उसके तसव्वुर के पर्दे पर ले रहा हूँ। ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है। मोबाइल पर उभरता म्यूजिक कमरे में घूम रहा था, उसके अलावा वहाँ कोई नहीं था। वो कब सोई कुछ पता ही नहीं चला। जब इंसान जिस्मानी और ज़हनी तौर पर थका हो तो उसे सोचने का मौका ही नहीं मिलता, और उसने खुद को इतना बिजी कर लिया था कि जब वो थक हार कर रात को सोने लेटती थी तो उसे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। किसी का ख्याल नहीं आता था, कोई नफरत भरा, कोई मोहब्बत भरा, कुछ भी नहीं। और इस वक्त वो थकी हुई थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और हाथ अंदर आया, और जैसे ही उसकी नज़र सामने मेज़ पर सरक के सोती ईमान पर पड़ी, वो ठड़क गया। वो खुद थका हुआ था और अपनी कॉफ़ी लेने आया था। पहले उससे सोचा वो पलट जाए, पर उससे कदम इनकारी हो गए। वो धीमे कदम उठाता उसके करीब आया और मैं इसकी दूसरी जानब बैठ गया। ईमान गहरी नींद में थी और वो उसे उठाना नहीं चाहता था। वहाँ जहाँ तू ही मेरा लिबास है, उससे अपनी दाहिनी बाजू मेज़ पर रखी और झुकते हुए सर बाजू पर रख दिया। वहाँ जहाँ तेरी ही बस तलाश है, वो अब उसे ही देख रहा था। ईमान ने उसे धीरे से सरगोशी की, क्या था ऐसा इस लड़की में जो वो सालों बंधा रहा। सालों गुजर गए थे। वहाँ जहाँ तुझी पर ख़त्म आस है, वहीं शुरू वहीं पे दफन जान है। उससे अपनी पलकों पर गहरा बोझ महसूस हुआ, उससे होले से आंखें बंद की। एक दो तीन लम्हे गुजरे, उससे ईमान की मौजूदगी को महसूस करना चाहूँ, और फिर उसे पता ही नहीं चला गुनूदगी कैसे उस पर तारी हुई। उससे अपने आस पास सुकून ही सुकून महसूस हो रहा था। ये शायद पहली बार था कि वो यूँ अपनी माँ के अलावा किसी इंसान की मौजूदगी में ऐसे सोया हूँ।